चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्पटिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की है, आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। एडवाइजरी इशू की है जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वॉयलेशंस होते रहे हैं, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24। सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आर ग्राउंड्स एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट। वी आर पुटिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नोटिस, मीन्स वी हैव आस्क्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव कॉपी ऑफ आर गाइडलाइंस टू ईच स्टार कैंपेनर। पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी बड़े नेतागण, स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे, उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस एंड वी विल प्रज्यूम नॉलेज ऑफ द गाइडलाइंस। दिस इज द टू, दीज आर द टू फंडामेंटल चेंजेस विच वी हैव मेड साइलेंटली। पीपल वर आस्किंग यू इशूड सो मेनी नोटिसेज लास्ट टाइम, डिड नथिंग, यू लेफ्ट इट एट दैट। दैट वॉज ए मोरल सेंसर। नाउ वी विल गो बियॉन्ड, we'll go beyond, and here we have said we will also look at the past, we'll also look at the history, we might look at a calibrated approach dealing with the mcc violations, which may be jo mcc violations kis prakar ki ho sakti hain, I mean statements which inspire, which should inspire rather than divide, issue based campaign ho, hate speeches, religious speeches, private life ka criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. Isme humne editors ko bhi advisory issue ki hai. Wo ek newspaper mein bada bada upar mein chhap jata hai ki iski lehar aur uski lehar. Agar aisa hai to saaf saaf likhein ki advertisement hai. Let it not pass through advertisement. We have issued these advisories. Now the time is during this election to go beyond advisories, take concrete action, for which in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is ki campaigning ke dauran please don't try to cross the red line. Ye waise bhi isliye zaruri hai that in this digital world, जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ। प्लीज बी सिविलाइज ड्यूरिंग द इलेक्शन, दिस इज वॉट इज आर एडवाइज। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है, थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बहुत सारी स्ट्रीम लाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज को हमने कदम उठाए हैं। ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस। क्या किया है, अराउंड 537 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस। वो क्या करती थी, किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज कर रहा है, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का, वो देवर क्लटरिंग दी पॉलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट दी जेन्यून पर्सन। सो दैट इज वॉट इट हैज बीन डन। सारी फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं, वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगी, ऐसा हमने उनको कहा है, डायरेक्शंस दे दिए, इट इज स्टार्टेड कमिंग। तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है, उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग।
plummeting level, I have already said. We have also asked the political parties to be very, very respectful to the persons with disabilities in their discourse, not to use the abusive words, also to not use children at all during the campaigning. Bacche nahi hai isliye ki unhe campaigning mein laya jaye. We'll be very strict if anybody does that. We are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party, within the parameters and in a right form. Friends, we are appointing 2,100 observers. Jitni cheeze maine aapko batayi, ye sab cheez ko field officers to karenge hi karenge. Hum 2100 observers ko appoint kar rahe hain. Aur is baar unko humne kya khas sakht hidayat di hai, aur jo bhi DOs level playing field प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे. इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटीमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे. फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में, उसका डिप्लॉयमेंट रेंडमाइज्ड हो. ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया काम नहीं कर रही, या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है. दे विल बी रेंडमाइजिंग द फोर्स. एंटायर इलेक्शन मशीनरी विल बी रेंडमाइज्ड in the presence of the observers.